उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में लगे जनता दरबार में दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने और उनके जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिया है। सीएम योगी ने शनिवार को गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंची। सीएम योगी ने फरियादियों की खुद एक एक कर समस्याएं सुनी और उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। करीब दो घंटे तक सीएम योगी जनता दर्शन में मौजूद रहे। एक एक फरियादी तक खुद जाकर उनकी पीड़ा सुनी, समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश अधिकारी को दिए। सीएम ने कहा, कोई भी फरियादी एक ही समस्या के लिए बार बार परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के बीच भले ही सीएम योगी बुलडोजर बाबा के रूप में प्रचलित हों, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को अपनाकर उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में खपा दिया है। आम जनता को कोई दुख तकलीफ ना हो, इसलिए वो जनता दरबार के माध्यम से जनता की तकलीफों से रूबरू होते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुकने ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।